हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचने का उपाय क्या है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है संक्षारण। ठीक है, तो संक्षारण हम किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी धातु का पदार्थ है, ठीक है, कोई भी धातु है, तो उस धातु का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। परंतु वो नष्ट क्यों होता है? क्योंकि जब उस धातु के सतह पर जल हो या नमी हो या ऑक्सीजन हो, उसी के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होता है। तो इसका हम परिभाषा कह सकते हैं कि वायु, हम लिख सकते हैं, क्या हम परिभाषा लिखेंगे? लिखेंगे वायु तथा नमी के उपस्थिति में, वायु या नमी के उपस्थिति में धातु के सतहों का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने संक्षारण का परिभाषा लिख दिया है। हमने लिखा है वायु तथा नमी की उपस्थिति में, वायु मतलब जो हवाएं हैं, ठीक है, तो ये वायु हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। और नमी मतलब कि क्या है भैया, जो जल है, तो यदि कोई भी धातु का सतह है, जैसे कोई भी लोहा है, उसको यदि आप पानी में रखते हैं, ठीक है, या उस पर आप पानी भीगते जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, उसमें हम जो क्या होता है देहाती भाषा में हम कहते हैं उसको कि उस पर जंग, मतलब हम कह सकते हैं मूर्छा लग गया है, ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, संक्षारण ही होते हैं। ठीक है, तो संक्षारण उसी को कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु की सतह पर सतहों का धीरे धीरे नष्ट होना, धातु की सतहों का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। यदि कोई भी धातु का, जैसे लोहा है, उस पर यदि जंग लग गया है, तो जब वो जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको पेंट करते हैं, जिसके कारण जो क्या है, संक्षारण से बचे रहे और वो नष्ट ना हो। तो ये हो गया संक्षारण का परिभाषा। अब आते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण में हम लिख सकते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, आप वैसे भी प्रैक्टिकल रूप से देखते होंगे। अब इसमें एक और पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संक्षारण से बचने का उपाय क्या है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, संक्षारण से बचने का उपाय। तो संक्षारण से बचने का क्या उपाय है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, संक्षारण से बचने का बहुत सारे उपाय है, परंतु जो मुख्यतः दो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला कि धातु की सतह पर पेंट करके, ठीक है, धातु की सतह पर पेंट करके हम उसको बचा सकते हैं। और दूसरा कारण है कि जो धातु की सतह है उस पर हम क्या लगा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं धातु की सतहों पर तेल या ग्रीस लगाकर
तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, सबसे पहला कि पेंट करके हम बचा सकते हैं और दूसरा कि धातु की सतहों पर तेल या ग्रीस लगाकर हम उसको बचा सकते हैं। किसको भैया? धातु को, ठीक है, जैसे लोहा। तो आशा करते हैं कि आपको संक्षारण और संक्षारण से बचने का जो उपाय है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात कि आप भी यदि क्लास टेंथ का फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, उस पर पढ़ाई करा दिया गया है। तो आप जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट निकालिए और वहाँ से बेसिक टू हाई फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी का पढ़ाई कीजिए। यदि आपको ढूंढने नहीं आता तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कीजिए और लिखिए, मान लेते हैं क्लास टेंथ का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास टेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक वो दे देंगे हमारी जो टीम है और वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको क्लास टेंथ का नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का, ये तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हमने नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, नोट्स बना दिया गया है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी नहीं बन पाया है, ठीक है, बायोलॉजी का भी तैयार नहीं हो पा रहा है, जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। बट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमने नोट्स बना दिया है, अगर आप लेना चाहें तो आप कुछ रुपए पे करके आप पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी कितना, ओनली 39 रुपये में, केवल 39 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, इतना रुपये क्यों खर्च करना, आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप मेहनत कीजिए और स्वयं नोट्स बनाइए। आप केवल वीडियो का लिंक ले लीजिए नीचे दिए गए नंबर पर या यहीं से नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स भी उनसे मांग सकते हैं या वीडियो से पढ़ाई करके आप नोट्स बना लीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।